हम दिल्ली में ही रहेंगे मैम, प्रोटेस्ट करेंगे बस। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो हम बिना परमिशन के बैठ जाएंगे। अब तो कुछ बिना परमिशन कहाँ बैठेंगे आप? कहीं भी बैठ जाएंगे दिल्ली के सड़कों पर, लेकिन घर नहीं जाएंगे। घर कैसे जाए मैम, दो महीने से हम यहाँ पे हैं और सरकार बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज सरकार को दिखाई नहीं दे रही कि हम आज सड़कों पर खड़े। मैडम हम लोग तो इतने दिनों से है सर, आप कहते हैं कि सरकार देख रही है, अगर सरकार देख रही होती तो एक महीना पहले देख चुकी होती। दिल्ली में तो हम 2 महीने से घूम रहे हैं और सबको मतलब सबको बस सब कागज़ ही जमा कर रहे हैं, बाकी कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ यही घूम रहे बस, और खाने पीने का तो कुछ भी नहीं। हम लड़कियां होकर सड़क पर है आज। लिस्ट 60,200 वैकेंसी थी, उनमें से सिर्फ उन्होंने 54,000 को लिया है और बाकी को बाहर कर दिया है। मेरा BSF में जाना सपना था जो 3 साल से देखा और एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया। 21 तारीख को इसका फाइनल रिजल्ट लगा जिसमें हमारा नाम नहीं था। आगे हम लोग तो अनशन करना चाहते हैं लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिल रही हमें। वो बोलते कि कोरोना के चलते परमिशन नहीं देते ये लोग, और पैसे ले मतलब पैसे दे के हम परमिशन देते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे इनको परमिशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क काटे गए हैं, मतलब आपके मार्क्स उठा के उन जो बच्चों को कम मार्क्स मिला है उनको दिया गया। हाँ नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूँ। मैं जैसे मैंने कल आपसे वादा किया था, हर रोज़ मैं SSC GD स्टूडेंट्स को मिलने जाऊंगी और जब तक उनका जस्टिस नहीं होता है तब तक मैं उनसे रोज़ मुलाकात करूंगी। हर रोज़ आपको एक नई कहानी, उनका संघर्ष का दिन, कल का संघर्ष का दिन क्या था, आज या अब इस समय तक कितना संघर्ष किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं आपको बताते जाऊंगी। हो सकता है कि आम जनता जाग जाए इनके आवाज़ को सुनकर। चले डायरेक्टली मिलते हैं उनसे। हाँ जी, आप लोग का अभी क्या आगे का रणनीति है, क्या सोचा क्या करने का है आगे? हम लोग तो अनशन करना चाहते हैं लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिल रही हमें। वो बोलते कि कोरोना के चलते परमिशन नहीं देते ये लोग, और पैसे ले मतलब पैसे दे के हम परमिशन देते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे इनको परमिशन के लिए। और हम चाहते थे कि अनशन करें क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो अनशन करके सक्सेस हुए हैं, तो हम प्रोटेस्ट के थ्रू अनशन के थ्रू सरकार तक और भी हमारी बात स्ट्रांग पहुँचे, इसलिए चाहते कि प्रोटेस्ट करें क्योंकि सरकार सुन रही है लेकिन फिर भी हमें इग्नोर करती है। आपने कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया है? BSF। मेरा BSF में जाना सपना था जो 3 साल से देखा और एक झटके में उन्होंने तोड़ दिया। 21 तारीख को इसका फाइनल रिजल्ट लगा जिसमें हमारा नाम नहीं था। आपका नाम नहीं था? नहीं, क्योंकि मैं मतलब पास होने के बाद आपका लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है, पहले हमारा रिटर्न एग्जाम हुए, रिटर्न में हम पास हुए, लेकिन फिर फिजिकल एग्जाम हुए उसमें पास हुए, फिर मेडिकल हुआ उसमें पास हुए, तीन ही एग्जाम पास होने के बाद भी हमारा नाम नहीं है लिस्ट। कितना लिस्ट निकलते हैं? लिस्ट 60,200 वैकेंसी थी, उनमें से सिर्फ उन्होंने 54,000 को लिया है और बाकी को बाहर कर दिया है। और मेडिकल के लिए जो फीट है वो 1,09,000 थे, और जो फीट है ना उनको आधे को लिया है, आधे को बाहर कर दिया है, बाकी हम जाए तो जाए कहाँ, मतलब हमारा मतलब तो बहुत प्रॉब्लम। बाहर में से हो या जो फिट कैंडिडेट्स में हो? फिट कैंडिडेट्स में, हमारे पास प्रूफ है। टोटल वैकेंसी तो 1,60,000। आपने कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया? हमने BSF के लिए। BSF? हाँ, तो हम लोग क्या हुआ, क्यों ये भगवान बोले, ज्यादा वैकेंसी बोल दी उसने? नहीं, हम लोग 1,11,000 लोग मेडिकल फिट है, उसमें 1,09,000 लोग फिट है, और आगे की जो हम लोगों को नहीं लिए उसमें से सिर्फ 54,000 लोगों की भर्ती हुई है, और बाकी के जो बचे हैं वो हम लोगों में से, हम लोग तीनों भी प्रक्रिया पास कर चुके हैं, हम रिटर्न और फिजिकल मेडिकल सब पास हो गए, बट हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, और हम तो 0.15 से हमारा नाम नहीं है। आप कौन से फोर्स के लिए अप्लाई किया? CRPF। तो फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं था? लिस्ट में नाम नहीं था, और मतलब फिट है फिर भी नाम नहीं था लिस्ट में मैम, इसलिए। आपने किस फोर्स के लिए काम किया? CRPF। आप भी? हाँ। आपका भी लिस्ट में नाम नहीं? नहीं। आप? मैंने फर्स्ट प्रेमशन CISF को दिया, CISF को दिया था फर्स्ट प्रेम। हाँ, जरा आगे आ जाएंगे। हाँ, आपने?
सीआरपीएफ। और आप? बीएसएफ। बीएसएफ बेटा आपने? सीआरपीएफ। आपको पहली बार देख रही हूँ, जरा आगे आइए आगे आइए, बात तो करूँ मैं। हाँ, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अकोला। तो आप लोग ने अपने जो अथॉरिटी हेड है, आपका स्टेट का जो अथॉरिटी हेड है, उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ? सबसे कांटेक्ट कर चुके हैं मैम, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो फिर आप लोग ने कैसा निर्णय लिया कि आज यहाँ पर आना है? दिल्ली में तो हम 2 महीने से घूम रहे हैं और सबको मतलब सबको बस सब कागज ही जमा कर रहे हैं, बाकी कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ यही घूम रहे बस, और खाने पीने का तो कुछ भी नहीं। हम लड़कियां होकर सड़क पर है आज, और सरकार बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज सरकार को दिखाई नहीं दे रही कि हम आज सड़कों पर खड़े। आपका शुभ नाम? स्मिता। आप किसके लिए अप्लाई, कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ मतलब बीएसएफ और सीआरपीएफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं करके। तो आगे आप लोग ने क्या सोचा है, क्या रणनीति अपनाने का? सपोज सरकार ने नहीं माना, सरकार ने नहीं माना कि आपको जॉइनिंग लेटर देने के लिए, तो आप आगे क्या करोगे? जितना हो सके हमसे हम कोशिश करते रहेंगे मैम, प्रोटेस्ट करेंगे आगे, सरकार को कन्विंस होना ही पड़ेगा मैम, कन्विंस करते रहेंगे। नहीं, सरकार तो बोल देते हैं कि जॉइनिंग नहीं है, जो करना है कर लो, उसके लिए क्या करोगे? अब क्या करेंगे मैम, वो एक सरकार का ही सहारा है, बचा है, उसी का साथ मतलब उन्हीं का सामने कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हीं को फोर्स करना पड़ेगा कि दे दो, क्योंकि ऑल कैंडिडेट मतलब फिट है, हम फिर भी नहीं दे रहे हमारा जॉइनिंग लेटर। विद मैम कैसे हुआ है कि हमसे जो कम मार्क के स्टूडेंट है वो लोग को जॉइनिंग मिल चुका है, वो लोग ट्रेनिंग किसको मतलब जिनको कम मार्क्स है हमसे, वो लोग जॉइनिंग होके ट्रेनिंग के लिए गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क काटे गए हैं। मतलब आपके मार्क्स उठा के उन जो बच्चों को कम मार्क्स मिला है उनको दिया गया? हाँ, उनके बढ़ा दिए, और हमारे जितने मतलब ज़्यादा थे उनसे काट दिए, ऐसे नॉर्मलाइजेशन में कम ज़्यादा कर दिया है मार्क्स। तो फिर नॉर्मलाइजेशन में तो सीट तो भर गया होगा फिर? हाँ, नॉर्मल सीट नहीं बढ़ती है मैम। तो फिर आप लोग क्या, सरकार अगर सरकार कल बोल रही है कि आप लोग आपका जॉइनिंग नहीं है, हम आपको जॉइनिंग नहीं देंगे, या जो भी है सरकार बात कर सोच में है, तो आप लोग आगे स्टेप क्या करेंगे? क्यों नहीं देंगे मैम, क्यों नहीं देंगे? इतनी मतलब 54,000 की भर्ती हो गई, सिर्फ 54,000 की, मतलब जहाँ 60,000 की थी वहाँ पे 54,000 की भर्ती होगी, बाकी जगह गया काम, बाकी खाली जितने रिक्त पद है वो कहाँ गए? उनको मतलब जवाब देना पड़ेगा ना मैम, वो जग मतलब वो किस लिए रखा है फिर, वो भी भर लेना चाहिए। जैसे आपका टीम लोग ने कहा है कि देखो आप जितने वैकेंसी बता रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर मौजूद लोग उतना लोग नहीं है, बाकी लोग किधर है? अभी बाकी मैम ऑल स्टेट से है, मतलब पूरा ऑल इंडिया के है यहाँ पे स्टेट, हर स्टेट के है, लेकिन यहाँ पे कोई है कोई नहीं है, हर ग्रुप अलग अलग है, अभी एक जब हो जाएंगे तब हो जाएगा कुछ। ये कब होएगा एक? बाकी लोगों को जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, अगर जरूरत होती तो यहाँ आते एक महीने से। मैं आपके पास आऊँगी आपके पास। हम लड़के वाला बता रहा हूँ। हाँ मैम, मतलब जिसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का घर का हालत मतलब एक जैसा नहीं है। लड़कियाँ का जो तारक है यहाँ पर वो बहुत ही कम नजर आ रहा है। तो मैडम ये सरकार देखती है, याद रखना सरकार देखती है, जो भी हो रहा है ना, जो भी इंटरव्यूज हो रहा है वो सारा को सरकार देखती है, ऐसा नहीं नज़रअंदाज नहीं हो रहा है। नज़रअंदाजी तो कर रहे हैं ना मैम, कोई मतलब देख के अनदेखा कर रहे हैं सब लोग, कोई किसी का नज़र हम पर है ही नहीं जैसे दिखा रहे सब, क्योंकि देखो ना मैम जिसको ज़रूरत नहीं है ये मतलब जॉब की, वो लोग तो आराम से घर में बैठे हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिनका घर का हालत ठीक नहीं है, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते वो लोग ही सिर्फ यहाँ पे है, जिनको सच में मतलब उनका काबिलियत पर कोई शक नहीं है, वो लोग सिर्फ अभी तक यहाँ पे टिके हैं। लेकिन मैंने जब पहले दिन देखा तो वहाँ पर तो बहुत बड़े तारा पर लोग थे, स्टूडेंट्स थे। है मैम तब थे ना, लेकिन इतना सब सहकर मतलब पुलिस का अत्याचार या यहाँ उधर लाठीचार, यहाँ वहाँ घूमने का मतलब खाना पीने का कोई सुविधा नहीं है, ये सब देख के कई लोग भाग गए, लेकिन हम नहीं जाएंगे मैम, जब तक जॉइनिंग लेटर मिलेगा नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे कोई सिचुएशन रहे हम पर, कोई भी हाल रहे हम नहीं जाएंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं?
आप बोलो पहले, फिर मैं इनसे बात कर लूंगी। मैडम हम लोग तो इतने दिनों से है सर, आप कहते हैं कि सरकार देख रही है, अगर सरकार देख रही होती तो एक महीना पहले देख चुकी होती, अभी वो क्या कोई जवाब ही नहीं देती। तो इतना दिन तक मीडिया ने कोई नेशनल मीडिया या जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग ने उठाया नहीं है मुद्दा। ओके अभी जो सोशल मीडिया है वो आपको सपोर्ट पे खड़े है, जैसे कि मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ जस्टिस के लिए, और मैं पूरा ये कहते हैं ना साम दाम दंड भेद ताकत लगा रही हूँ कि आपका आवाज वहाँ तक जाए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि साम दाम दंड भेद आप लगा रहे हो, वैसे सरकार की भी रणनीति होगी, हम लोगों को तो ज्वाइनिंग दे नहीं रही हो और हमारे हमारे कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, फिर हम लोग भी क्या करें? आपने क्या सोचा है क्या करना है आगे, अगर सरकार ने आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है? हम दिल्ली में ही रहेंगे मैम, प्रोटेस्ट करेंगे बस, अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो हम बिना परमिशन के बैठ जाएंगे। अब तो कुछ बिना परमिशन कहाँ बैठेंगे आप? कहीं भी बैठ जाएंगे दिल्ली के सड़कों पर, लेकिन घर नहीं जाएंगे। घर कैसे जाए मैम, दो महीने से हम यहाँ पे हैं, घर में भी आस लगाए बैठे हैं कि आएंगे हमारे बच्चे ज्वाइनिंग लेटर लेके। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी बहन है और दो भाई है, मेरे मम्मी पापा है। मेरे परिवार में से कोई भी सरकारी जॉब पर नहीं है। मेरे पापा ने मेरे जो बाबा हैं उन्होंने उनसे बहुत उम्मीद है मुझसे कि हमारी बेटी मतलब जॉब पे लग जाए, सरकारी जॉब पे, इसलिए सब खेती ही करते हैं, मेरे परिवार में कोई नहीं। अच्छा, तो आप किसान परिवार के हो जी? ओके। तो किसान परिवार के लिए तो कुछ तो होगा, देखेंगे। किसान ही तो सड़कों पर हमेशा, किसान और मतलब जवान ही सड़कों पर घूमते हैं, बाकी तो कोई नहीं घूमता, और किसानों के बच्चे होते हैं जो जवान मतलब ये नौकरी वगैरह बनना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या बताया था? स्मिता वसतकर। नीता वसतकर, नीता वसतकर एक स्मिता। हाँ। अरे वाह, स्मिता वसतकर किसान की बेटी है, कहते हैं ना जय जवान जय किसान, एक किसान की बेटी है और एक फोर्स में ज्वाइन करना चाहती है और सरकार इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे, तो मेरा आग्रह विनती है सरकार से कि आप ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। सही बोल रही हूँ मैं आपको? बोलिए आप जो बोलना चाहते हैं, मन जो भी आपको सरकार से कहना चाहते हैं। मैं कल सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हम दो दिन से मतलब दो महीने से दिल्ली में घूम रहे हैं ऐसे ही, हमारे परिवार में से रोज़ फ़ोन आते हैं कि बेटा क्या हुआ आज तो कुछ होगा, हमें यही बोलते हैं कि नहीं यहाँ गए थे ये कागज़ दिया, बस उन्होंने रिटर्न वापस कर दिया कि दो तीन दिन बाद आप फिर से आइए। आप यहाँ पर आने के बाद आपने होम मिनिस्ट्री को दरवाज़ा खटखटाया? आप लोग ने सबके पास गए मैम, होम मिनिस्ट्री के ऑफिस में गए, सबके पास गए हम, सबके पास मोमेंडम भेजे हैं हमने, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई भी नहीं, बस हम यही भटक रहे हैं बस। उनको पता है कि आप लोग हो यहाँ पर? देख के भी अनदेखा कर रहे हैं मैम, मतलब उनको लग रहा है जैसे है ही नहीं हम यहाँ पे। ये थे एक स्मिता का आवाज जो सरकार को कह रही है, जो किसान की बेटी है और ये चाहती है, कहते हैं ना किसान का बेटा या बेटी जवान होता है, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में, और ये बहुत बढ़िया बात है कि किसान की बेटी है और फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। मेरे रिक्वेस्ट है माननीय गृह मंत्री जी से कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स है उनकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो रिक्वेस्ट है इनका ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द इन्हें मिले, इनको जस्टिस मिले, और जब तक इनको जस्टिस नहीं मिल रहे हैं मैं रोज़ इनसे मिलूंगी और रोज़ इनका जो दशा दिशा है इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी।